हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है जन्माष्टमी और मैं इस ब्लॉग में दिखाना चाहती हूँ कि मैं जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। तो अभी मैं नहाकर आ चुकी हूँ और मैंने ये पीला सा ड्रेस पहन लिया है और अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने कान्हा जी को कैसे, मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो सब मैं कैसे करती हूँ। तो आप लोग प्लीज ब्लॉग में बने रहिए। तो अब मैं आ चुकी हूँ मंदिर में और मैं सबसे पहले यहाँ पे जलाऊंगी दीप और धूप। फिर मैं अपने कान्हा जी को अच्छे से उठा लूँगी और फिर ये जो आप बास्केट देख रहे हैं इसमें मैं ढेर सारे फूल और फलों के अंदर कान्हा जी को अच्छे से रख दूँगी। उसके बाद रात को 12 बजे हम लोग फूल और फलों की टोकरी में से उन्हें निकाल कर उनका जन्म करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फूलों से अच्छी तरीके से इस टोकरी को भर लिया है। कान्हा जी को उठाकर मैंने जो उनके वस्त्र होते हैं वो निकाल दिए हैं। अब मैं कान्हा जी को इसके अंदर सुला दूँगी अच्छी तरीके से, उनको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से फूल रख दूँगी और फल। फिर उसके बाद रात के 12 बजे हम लोग इनका जन्म करवाएंगे। यहाँ पे मैंने एक खीरा भी रख दिया है और सिक्का। इस सिक्के से हम लोग घड़ी की दिशा में जो खीरे को काटेंगे और फिर उनके बाद उनका गर्भ नाल, फिर उसके बाद उनका जन्म करवाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने भाग्य की पूजा कर ली है फल और फूलों से। अब हम लोग रात के 12 बजे मिलेंगे तो फिर हम लोग कान्हा जी का जन्म करवाएंगे। तो गाइस, अभी रात के 12 बज चुके हैं और मैं अच्छी तरीके से स्नान करके रेडी हो चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहना है रेड कलर का सूट। और तो गाइस, अब हम लोग चलते हैं, जल्दी से उनका जन्म करवाते हैं। तो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं फिर से मंदिर में। तो यहाँ पे घंटी और तालियों से सभी परिवार मिलकर हम लोग उनका वेलकम करेंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की बोलते हुए उन्हें फूल और फलों में से निकालेंगे और फिर उनके उसके बाद उनका अच्छे तरीके से श्रृंगार वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खीरे को कट करेंगे। सिक्के को घड़ी की दिशा में घुमाते हुए उनका गर्भनाल माना जाता है उन्हें कट कर लेंगे। फिर उनके बाद इसी तरह उनका जन्म करवाया जाता है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कट करके रख दिया है। फिर कान्हा जी को अच्छी तरीके से हम लोग पंचामृत से स्नान करवाएंगे। यहाँ पे मैंने गाइस स्नान करवा लिया था पर इसकी जो क्लिप है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो अब मैं उन्हें डायरेक्ट अब उनके जो ड्रेसिंग्स होते हैं वो करूँगी। तो सबसे पहले मैंने उन्हें पहना दिया है नैपी। तो अब मैं पहनाऊँगी उन्हें उनके वस्त्र, उनके जितना भी श्रृंगार होता है वो सब मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ड्रेस उनकी पहना ली है। अब मैं पहनाऊँगी उन्हें गले का हार, कंगन, बांसुरी, मुकुट, ये सब चीज़ों से मैं उन्हें अच्छे तरीके से रेडी कर दूँगी। और फिर मैं उन्हें अच्छे तरीके से रेडी करने के बाद उन्हें शीशा दिखा दूँगी कि वो कैसे लग रहे हैं, वो खुद को देख लें। फिर उसके बाद मैं उन्हें झूले पे अच्छे तरीके से विराजित कर दूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे गद्दा बिछा लिया है, और उन्हें कंफर्टेबल तरीके से उन्हें अच्छे तरीके से बैठा दूँगी। यहाँ पे मैंने धूप और दीपक जला लिया है और यहाँ पे जो उनके लिए मैंने प्रसाद लाए हैं वो सब यहाँ पे अच्छे से रख दूँगी। फल, मिठाइयाँ, मक्खन मिश्री, जल, और यहाँ पे उनके लिए मैंने कुछ चॉकलेट्स भी लाए हैं जो मैं उनके पास रख देती हूँ अच्छे से। इसके बाद हम लोग करेंगे उनकी आरती। अब मैं यहाँ पे उनका चंदन, रोली, इन सारे चीज़ों से उनका तिलक करूँगी और फिर आरती को स्टार्ट करूँगी। ये मोरपंख मैं उनके झूले के पास अच्छे से रख देती हूँ। तो अब हम यहाँ पे कान्हा जी की अच्छे से आरती करेंगे। फिर मैं आरती करने के बाद उन्हें थोड़ा सा झूला झुलाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी की आरती कर ली है, अब मैं उन्हें थोड़ा सा झूला झुला दूँगी। और फिर गाइस, इसी के साथ अब हमारा ये ब्लॉग होता है एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से बलून और लाइट से जो अपना नगर पूजा का स्थान है इसको डेकोरेट किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।